नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और साथ ही साथ मैं जो लाइट वोकल की ट्रेनिंग भी देता हूँ बिगिनर्स को। एक कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर मैं फेस करता हूँ वो ये कि जब भी कोई सीखने के लिए आता है लाइट वोकल, तो उसमें जैसे जब मैं उन्हें कुछ सुनाने के लिए कहता हूँ, तो वो जिस भी सिंगर का गाना गाते हैं तो वो उस सिंगर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए लगते हैं। उनकी मैं सिंगिंग स्टाइल की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं आवाज़ की भी बात कर रहा हूँ। वो उनकी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अरिजीत सिंह का गाना गा रहा है तो वो अरिजीत को कॉपी करते हैं, सोनू निगम का गा रहा है तो सोनू निगम को कॉपी करते हैं। तो जब पूछता हूँ मैं कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कि नहीं साहब, हम तो ऐसे ही गाते हैं, ये हमारा स्टाइल है। तो मैं हमेशा ये मेरा ये मानना है कि इससे आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो मर जाती है। आपको पता ही नहीं होता कि हम ओरिजिनली हम हैं क्या, हम क्योंकि हम तो किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। देखिए, सोनू निगम हैं, अरिजीत हैं, जितने भी इस तरीके के जो लोग हैं, इन्होंने ये अपने में एक माइलस्टोन्स हैं। इन्होंने अपने अपने इतने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए हुए हैं, तो कोई उनके जैसा नहीं हो सकता। चाहे वो आप पुराने में आप रफ़ी साहब को ले लीजिए, किशोर जी को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, तो किसी के जैसा कोई नहीं हो सकता, बस हम अपने जैसे हो सकते हैं। तो जब अपनी वॉइस की बात आती है तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है अपनी वॉइस को एक्सप्लोर करने में। और एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं शेयर करना चाहता हूँ अगर आपको ठीक लगे, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी वॉइस को फाइंड आउट करने में, तो वो अगर आप करेंगे तो आपको अपनी आवाज़ का एक्चुअली अंदाज़ा होगा कि आपकी अपनी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मुझे पता लगी थी, तो वो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ आपसे। क्रैकल वॉइस एक टर्म है। क्रैकल वॉइस जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब आप देखिए जब छोटे बच्चे जब रोते हैं तो वो अपनी वो उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लीन होती है। कभी आप सुनी, जिन्होंने नहीं सुना वो छोटे बच्चे को रोते हुए ज़रा एक बार सुने, और वो कितने क्यूट तो लगते ही हैं, बट उनकी आवाज़ कितनी क्लीन होती है, वो एक्चुअली ओरिजिनल आवाज़ होती है। और अपनी वॉइस को हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, एकदम से जब हम गाने में आए, तो वॉइस ट्रेनिंग लेने से पहले ही हम इतने सिंगर्स को सुन चुके होते हैं कि हम उनकी आवाज़ में ही बह रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप अपनी वॉइस को फाइंड करना चाहते हैं तो इसको करके देखिएगा, ये शायद आपको बेनिफिट देगी। क्रैकल वॉइस आपको इसमें प्रोड्यूस करनी है। कैसे गाने के लिए, सबसे पहले स्पाइन आपकी सीधी हो, और मुंह का जो ये आपका थर्ड आई वाली प्लेस है, यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन ये लूज होना चाहिए। ये इतना पोर्शन एक्चुअली यूज़ होता है, लूज़ तो आपकी ये पूरा जो आपका बॉडी है, चेस्ट है, कॉलर है, ये सब लूज़ होने चाहिए। और इसमें आप क्रैक करती हुई वॉइस को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा तानपुरा करा दूँ, ये फर्स्ट ब्लैक स्केल है, मैं फर्स्ट ब्लैक से सा को मैं गाऊंगा। तो सबसे पहले सा मैं बोल कैसे रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। आपके मुंह, आपका मुंह खुला होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट दो फिंगर आपकी आपके मुंह में, हाँ, ये इतना गैप होना चाहिए ताकि ब्रेथ को निकलने और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से करता हूं, ये क्रैकल वॉइस के साथ आप अगर उस क्रैकल वॉइस को सस्टेन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आवाज़ क्लीन हो जाती है और यही आपकी ओरिजिनल आवाज़ होती है। अब इसको जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब आप चाहे सरगम का अभ्यास करें, चाहे किसी भी गाने का अभ्यास करें, तो अगर आप जब इस तरीके से गाएंगे तो वो आप अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ही गाएंगे।
जैसे कि इसका बहुत धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है, थोड़ा सा सांस भी फूलेगी क्योंकि बैकअप में एक्चुअली इसको सस्टेन करने में थोड़ा सा दम लगता है, बट हस्की वॉइस जो लोग जो इस तरीके से आवाज़ बना के गाने की कोशिश करते हैं हस्की वॉइस में, तो उससे होता है कि आपकी ब्रेथ बहुत वेस्ट होती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपका बैकअप बनता है, आपकी ब्रेथ बचती है, और एक सिंगर के लिए ब्रेथ कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो गाने वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कोशिश आप इस करें इस एक्सरसाइज को करने की, आई होप जिनको ये चीज़ नहीं पता है उनको ये बहुत फ़ायदा करेगी, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छा गाएं, मेरी ये दुआ है। और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर उसको मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर